यहाँ प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय गुरुजन, मैंने संगीत के पुरोधा के बारे में भी सुना जो कि आगरा खाने को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी मेरा नमन। यहाँ बैठे हुए सभी अमित जी के परिवारजनों को मेरा प्रणाम। मौसी जी की कविता वाकई दिल को छू गई और वाकई वीरों को एकदम शत नमन हुआ। और यहाँ बैठे हुए सभी मेरे प्यारे बच्चों और साथियों, बड़ा गौरव का दिन है। और इस तरह के कार्यक्रम पूर्व में भी होते रहे, लेकिन जिस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है ये बिल्कुल अनोखा है। ऐसे छोटे बच्चों के साथ उनको हंसते खेलते सिखाना और उनके परवेश से आगे ले जाकर एक आसमान की राह दिखाना, ये अमित जी कर सकते हैं, बाकी दूसरा मुश्किल है कि कोई कर पाएगा। अमित जी के बारे में आप लोग बहुत सी बातें जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी दो तीन चीजें हैं जिनके बारे में आपको परिचित करा दूं। आप हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं और ऐसा सपना देखते हैं जो बाकी लोग सोचने के बाद बंद कर देते हैं, ये उसको साकार भी कर देते हैं। ये स्कूल जो छोटे बच्चों का खोला गया, ये बहुत जुनून का काम है। इसमें हर आदमी प्रॉफिट में हाथ लगाता है। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कोई नहीं सोचता है। आज मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी यहाँ पर, जो शायद किसी ने नोटिस नहीं की होगी, अमित जी की बच्ची खुद उन बच्चों के साथ खेल रही है, सीख रही है, पढ़ रही है। वो समान परवेश शिक्षा का, वो जो देने का वादा जो हमारे नेताओं की एक पीढ़ी ने देखा था कि भारत का हर बच्चा, अमीर गरीब मध्यम वर्ग का, भारत का बच्चा, जैसे कहते हैं एक इंडिया और एक भारत है, तो इंडिया का बच्चा और भारत का बच्चा जब एक साथ पढ़ेंगे ना, तो जो बीच की खाई है वो रहेगी नहीं, सारे लोग एक साथ साथ में आएंगे और प्रोग्रेस में, तरक्की में शिक्षा एक जैसी पाकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वीरों को नमन किया गया, हमें यहाँ तक आज़ादी मिल गई है, हम लोग उसको बनाए रखें, केवल आज ही के दिन याद ना करें। और मैं हमेशा सदैव ये कहता हूँ कि चित्रों की पूजा नहीं होनी चाहिए, चरित्रों की पूजा होनी चाहिए। हम जिन चित्रों के ऊपर माल्यार्पण कर रहे हैं, उनका संदेश भी हमें आने वाली पीढ़ी को देना होगा। आज जो चीज खत्म होती जा रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो यहाँ पर सहेज के रखी गई, स्वरचित कविता पाठ हो रहा है, बच्चों को समझाया जा रहा है कि किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना है। छोटे बच्चे देशभक्ति की बातें आज कर रहे हैं, कल उनको इनका मतलब समझ में आएगा, क्योंकि आज हमारी पीढ़ी के पास टेक्नोलॉजी है, हर चीज है, लेकिन अपनी क्लासिकल जो जर्नी हमारी थी, जो हमारी पुरानी यादें थी जिनको सहेज कर हम इतना आगे बढ़ पाए, वो खत्म हो गया। आज किसी बच्चे से आप पूछेंगे आपका आदर्श कौन है, तो वो किसी फिल्म स्टार को बता देगा, 99% बता देंगे, क्योंकि हमारे घर में भी ना कहानी सुनाने की, कविता सुनाने की, बच्चों को सुनने की, बुनने की, उनके अंदर बुनने की ये क्षमता खत्म हो गई। न्यूक्लियर फैमिली है, मम्मी पापा बच्चे दोनों चले गए जॉब में, बच्चे टीवी देख रहे हैं, आप उससे पूछोगे तो वो पोकेमोन के बारे में बताएगा, कार्टून के बारे में बताएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमारे जो हमारा सोसाइटी है या जो हिंदुस्तान का जो गौरव गाथा है उसका हीरो कौन है। तो ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग, इनको बचा के रखना है जो आगे ले जाए सोसाइटी को। और यहाँ बैठे हर व्यक्ति से मेरा एक ये निवेदन है कि अपने घरों में भी एक ऐसा माहौल पैदा करना है कि बच्चे हीरो एक्ट्रेस इनको अपना आदर्श ना माने। आपको ये बात सुनके अजीब लग रही होगी कि कोई ये कह देगा कि शाहरुख खान मेरा पसंदीदा है या वो मेरा हीरो है। हीरो वो नहीं है, हीरो वो थे जिन्होंने आज देश को यहाँ तक पहुँचा दिया, हमारे आपके हाथों में दिया, अब हमारा आपका कर्तव्य है कि उन हाथों में दे दें जो और आगे ले जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और जोर से एक बार